कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं। सब बोलते हैं कि ब्लॉग बैक कैमरे में बनाना चाहिए, तो मैंने भी तो मुझे कल फोटो देख के थोड़ा तोड़ना पड़ेगा लग रहा है मुझे। तो ये 2-3 महीने से शॉपिंग ही कर रहे हैं, कभी किसी शादी की कभी किसी शादी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन में 1 बजे से, और अभी आज देर हो गई थोड़ा, क्योंकि आज काम नहीं रह गई। तो अभी मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी दिन के खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी आज मैं हूँ घर पे। वैसे तो पति देव जी भी हैं, पर वो सो रखे हैं, उनकी नाइट ड्यूटी थी वो सो रखे हैं। बाकी दीदी भी थोड़ा बाहर गई है, तो अपने लिए और इनके लिए ही बनाना है। तो अभी देखती हूँ। और बाकी दोस्तों, ये देखिए मैंने कल करवा चौथ की मेहंदी भी लगा ली थी। वैसे हमने आज लगवानी थी, पर आज थोड़ा भीड़ हो जाती है बाजार में, तो कल ही लगा ली थी। वैसे मैं हर साल अपने आप लगाती हूँ मेहंदी, पर इस साल ऊपर वाली दीदी ने बोला कि चल चल बाजार चल, तो इसीलिए मैं भी लगवा के लेके आ गई उन्हीं के साथ, और निपट भी गई। तो मैं ये देखिए अब काली सी हो गई है। और ना, वैसे तो मैंने तन्नू को बोल रखा था कि मेहंदी लगाने आ जाना, एक हाथ पे मैं खुद ही लगा देती हूँ, एक हाथ पे तन्नू लगा देती, पर चलो हाथ की तो हाल टूट गई, लगवा ही लिए, बस पैरों पे लगानी है, तो वो तो मैं रात को भी लगा ही सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल अपने कमरे की तरफ चलती हूँ। और ये साड़ी पहनी है दोस्तों मैंने कल, तो इसको मैंने अभी थोड़ा इस पर थोड़ा काम रह गया था, तो इसको मैंने सिल दिया है और अपने कमरे में रख देती हूँ। बाकी इधर भी लाइट बंद कर देती हूँ, उधर अभी मैंने मंदिर की लाइटें भी बंद नहीं करी है, पहले मंदिर की लाइट भी बंद कर देती हूँ। श्री राम। तो चलिए दोस्तों, इधर मैंने लाइट वगैरह बंद कर दी है। तो इधर पतिदेव जी सो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पतिदेव जी के लिए। वैसे तो हमारी सुबह की सब्जी बची हुई है, तो ये ही खा लेंगे वो, और थोड़ी सी मेले भी हो ही जाएगी, तो रोटी बनाऊंगी सिर्फ, इसमें तो नहीं है रोटी, पर आटा निकाल देती हूँ, आटा तो बचा हुआ था, तो सिर्फ रोटी बनाऊँगी मैं अभी हम दोनों के लिए। और तो अभी ना टाइम 2 बज गए हैं, और अब मैं रोटी बना लेती हूँ, मतलब बजने वाले हैं 2, तो मुझे भी अब भूख लगने लग गई है। तो ये है सुबह का आटा बचा हुआ, और सब्जी भी सुबह की बची हुई है, तो मैं बना लेती हूँ। पतिदेव जी तो पता नहीं कब तक उठते हैं, तब तक तो मैं खा लूँगी। तो चलिए अभी फटाफट से रोटी बनाती हूँ, खाती हूँ, और फिर थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद फिर से मैंने शाम को बाज़ार जाना है तनु की मम्मी के साथ, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ यार। तो चलिए जी, अभी मैंने रोटी भी बना ली है और अब खाते हैं। 2 बज गए हैं, 2 से ऊपर ही हो गया टाइम, तो अभी पेट पूजा करती हूँ मैं पहले, और उसके बाद हुआ काम पूजा, क्योंकि मुझे भूख लग गई है। और साथ ही मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय बनाऊँ थोड़ी सी अपने लिए, क्योंकि सुबह भी आज सूखा ही हो गया था, तो अब मैं चाय बना लेती हूँ। और बाकी दोस्तों, आजकल मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जैसे भी बन रही होगी माफ़ कर देना, और कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं। सब बोलते हैं कि ब्लॉग बैक कैमरे में बनाना चाहिए, तो मैंने भी कोशिश, मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए मेरा भी बैक कैमरे से। और बाहर भी जाती हूँ ना, तो मैं बैक कैमरे से ही कोशिश करती हूँ। और अब इधर मैंने सब्जी गर्म करने रख दी है, सुबह बनाई थी दीदी ने मिक्स सब्जी, और अभी गैस वैस भी साफ़ नहीं किया, बाद में करूँगी। फ़िलहाल अभी चाय वाय का जुगाड़ करती हूँ, या तो कॉफ़ी बनाऊँगी या तो चाय बनाऊँगी, वैसे मुझे गर्मी भी हो रही है पर। तो अभी मैं अपने लिए सब्जी रोटी भी ले आई हूँ, और मैंने चाय नहीं बनाई, तो इसमें मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी थी दूध में, तो ज़्यादा कलर भी नहीं आ रखा है, क्योंकि कॉफ़ी मुझे कड़वी लगती है, तो थोड़ा सा ही डाला है मैंने। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ यार, पहले भूख लगी है बहुत भयंकर। तभी ना मैंने तो खा लिया है खाना, और इधर पतिदेव जी भी उठ गए हैं और अपने लिए बना रहे हैं मैगी। मुझे भी दोगे हैं? हेलो हेलो सोनू, आपने मेरी मेहंदी देखी? हाँ, कैसी लगी है? हाँ कोई बोलो जरा, बढ़िया लगी, बढ़िया लगी। कल आपकी छुट्टी नहीं है बोले? है? तो कैसे आना तुमने? नहीं,
इस बार पहली बार ये करवा चौथ पे घर पे नहीं रहेंगी, क्योंकि अब इनकी यहाँ पे नाइट ड्यूटी रहती है तो उनको छुट्टी नहीं मिली। कल वहाँ होटल में पार्टी है तो इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मुझे कल फोटो देख के व्रत तोड़ना पड़ेगा लग रहा है मुझे। तो चलिए जी, अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है, मैंने तो पहले ही खा लिया था पर इन्होंने भी खा लिया है, और अब मैं इन पे लगाऊंगी मेहंदी। मैं इन पे लगाऊंगी मेहंदी, मैंने तो लगाई दी थी, अब इन पे भी लगा लेते हैं और देखते हैं कितनी रसती है इनकी मेहंदी। चलो हाथ दो इधर, क्या लिखना है, हैं अपना नाम लिख दूं तो किसका लिखूं, किसी और का लिख दूं। तो अभी मैंने इनके हाथ में भी लगा दी है मेहंदी, ये देखिए, और बहुत ही प्यारी लगाई है मैंने। तो अभी ना मैंने ऊपर भी जाना है मेहंदी लगाने के लिए, वो दीदी जिनके साथ मैंने रात को लगाई थी मेहंदी उनके पैरों में लगानी है, तो अभी चलती हूँ मैं ऊपर। वैसे अभी वो खाना खा रहे थे पर अभी देख के आती हूँ और फटाफट से निपटा देती हूँ। ख्याल तुम खाना कगो दीदी के पैरों में लगानी मेहंदी। चलो दुल्हन को तैयार करना है हमने कल के लिए। पैरों में भी लगा लिया मैंने मेहंदी, हाथ दिखाओ बड़ा हता लियो कुछ ना। रात की मैंने इतनी गाड़ी रच गई देखो, और अभी पैरों में भी लग गई है, रात तक ये भी सूख ही जाएगी। तो अभी मैं ऊपर दीदी पे मेहंदी लगा के भी आ गई हूँ उनके पैरों में, और अब थोड़ी देर बाद तनु की मम्मी भी आने वाली है, फिर दीदी के साथ बाजार जाना है, उन्होंने करवा चौथ का सामान लिया नहीं है तो अब ले गई हूँ, और मैंने भी थोड़ा प्रसाद रह गया था तो वो लेके आऊँगी। तो अभी फिलहाल थोड़ा आराम करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी टाइम 5:30 हो गया, मैं और दीदी आ गए हैं बाजार, यहाँ से दीदी की साड़ियाँ लेनी है हमने जो परसों हमने यहाँ पे खरीद रखी थी, हॉल पी को लगाने के लिए ले रखी थी यहाँ पे। चलिए, तो ये है दीदी की पीली साड़ी और ये मौसी जी की है, तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो चलिए जी, अभी हमने दोनों साड़ियाँ ले ली है और अब चलते हैं। हेलो दीदी, इनसे भी मिलवा देती हूँ मैं आपको, इनसे मिले नहीं होंगे आप। दीदी क्या आजकल शॉपिंग चल रही है, नवंबर में उन्होंने गांव में शादी में जाना है, तो ये 2-3 महीने से शॉपिंग ही कर रहे हैं, कभी किसी शादी की कभी किसी शादी की। और यहाँ पे आज भी मेहंदी लगाई जा रही है जगह जगह पे। तो यहाँ से दीदी करवा वगैरह ले रही है। तो दोस्तों अभी बाजार से आने के बाद मैंने बनाया खाना, दाल चावल बने आज हमारे, मतलब कड़ी चावल, कड़ी भी बन गई है, ये है चावल, तो आज हम रात को खाएंगे कड़ी चावल। और अभी दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे, बाकी काम फिनिश हो चुका है, और अब थोड़ी देर में खाएंगे खाना और उसके बाद लगाऊंगी अपने पैरों में मेहंदी। तो अभी हमने खाना भी खा लिया है और दीदी धो रही है इधर बर्तन, और दोस्तों अब मैं लगाऊंगी अपने पैरों में मेहंदी। तो कीप मैंने निकाल ली है और अभी दीदी ने भी लगानी है अपने हाथ में, तो चलो टीवी देखते देखते मेहंदी लगाती हूँ मैं अपने पैरों में, चलते हैं इधर। तो दोस्तों अभी मैंने अपने पैरों में भी मेहंदी लगा ली है, तो इस बार मैंने ज़्यादा नहीं लगाई, एक एक फूल बना रखी है, ये देखिए। अभी ना मैं ऊपर वाली दीदी के साथ बैठ गई थी, टाइम 11 बज गए हैं और अब सो जाती हूँ, सुबह बर्थडे तो सुबह मैंने जल्दी उठना है दोस्तों। और आप सभी को भी करवा चौथ की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएँ, और बाय बाय।